महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में फिरोजपुर कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से 15 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक मनाए गए स्वच्छ भारत पखवाड़े के समापन पर स्वच्छ भारत प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें फिरोजपुर के सेशन जज वीर इंद्रपाल अग्रवाल और सीजेएम एकता उप्पल मुख्य मेहमान के तौर पर पहुंचे। सभ्याचारक प्रोग्राम में स्कूल के बच्चों ने नशे की रोकथाम के लिए नाटक कर लोगों को नशे से दूर रहने के संदेश दिए। इस मौके पर एकता उप्पल ने बताया कि पंजाब कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की तरफ से एक मुहिम चलाई गई है, जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति नशा छोड़ना चाहता है तो पंजाब सरकार की तरफ से इस मुहिम के तहत उसका मुफ्त इलाज किया जाएगा और पूरी सुविधाएं दी जाएंगी। इसी के साथ उसके ठीक होने पर उसे रोजगार भी मुहैया करवाया जाएगा, ताकि वह अपनी बाकी की जिंदगी खुशी से व्यतीत कर सके। इस अवसर पर कैंटोनमेंट बोर्ड परिषद के सीईओ अभिषेक त्रिपाठी ने सभी गणमान्यों का धन्यवाद व्यक्त किया। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। ये जो गांधी जयंती के ऊपर प्रोग्राम किया गया है, ये हम स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे थे 15 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक। आज उसका समापन समारोह था, क्योंकि आप सबको पता होगा कि गांधी जी भी स्वच्छता पर बहुत बल दिया करते थे। जो स्वच्छ भारत अभियान अभी शुरू किया गया है, ये एक तरह से उनकी ही शुरुआत थी। वो अपनी जिसको बोलते थे कि पर्सनल स्वच्छता, मानसिक स्वच्छता, इस सब पे ध्यान देते थे। उसी के एक तरह से तत्वाधान में अंत, जिसको बोलते हैं कि समापन समारोह, आज गांधी जयंती के अवसर पर किया गया है। समापन समारोह कह रहे हो आप, क्या स्वच्छता को लेकर यही दिन तक सीमित था या आगे भी चलेगी? कार्यक्रम तो 15 दिन का जो था वो अभी खत्म हो गया है, लेकिन बाकी जो सफाई के अभियान है, कार्यक्रम तो देखिए सिर्फ एक, जिसको बोलते हैं ना कि हम एक अवसर होता है लोगों में जागरूकता फैलाने का, लेकिन ये तो निरंतर काम है, करते रहना है, लगातार करते रहना है, रुकना नहीं चाहिए। एक दिन भी कहीं कचरा ना उठे, कहीं सफाई ना हो, बीमारियां फैलेंगी, तरह तरह की समस्याएं हो सकती हैं। आज कैंटोन बोर्ड फिरोजपुर वालों स्वच्छता ही सेवा के तहत जो एक फॉर्टनाइट ही प्रोग्राम है, क्लीनिनेस ड्राइव है, जो स्वच्छता ही सेवा, वो कंक्लूजन आज की गई है। आज गांधी जयंती है, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, एंड इसके नाल नाल ही एक और इनोवेटिव चीज़ जो डे बिफोर यस्टरडे DLSA फिरोजपुर ने लॉन्च की थी, फाइट अगेंस्ट द ड्रग एब्यूज। एंड स्वच्छता ना सिर्फ आले दुआले की होनी चाहिए है, बॉडी की होनी चाहिए, लेकिन अपने थॉट्स की एंड अपनी एक थोड़ी जो एक थिंकिंग है उन्होंने भी होनी चाहिए है। ड्रग की जो मैनेस है उन्हें आले दुआले साढ़े स्पेशली साढ़े बॉर्डर एरियाज पंजाब के इन्नी को ज़्यादा गंदगी फैला देती है कि हर कोई इस तो डरता है, हर कोई इनू साफ करना चाहता है, लेकिन सिर्फ जरूरत है एक सॉलीडैरिटी की, एक क्यूमुलेटिव एफर्ट की। सो इन एफर्ट्स को यूनिफाइड फॉर्म के प्रजेंट कर असी अज कैंट बोर्ड के स्कूल के बच्चों ने तो एक ड्रग्स के अगेंस्ट एक जो प्रजेंटेशन है, स्टेज परफॉर्मेंस दिखती है, क्लीनिनेस की ड्राइव के अगेंस्ट स्टेज परफॉर्मेंस दिखाई ने, वेरियस इंस्टीट्यूशनल हैड्स प्रजेंट हुए हैं। अज के मुख्य मेहमान चेयरमैन DLSA फिरोजपुर अज आए हैं।